साथियों, एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खेल देश के गौरव और पहचान से जुड़े थे उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। दुनिया का सबसे युवा देश खेल के मैदान में भी एक ताकत बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने इस बदलाव को साबित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। यही रिकॉर्ड भारत के बेटे बेटियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बनाया। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 19 मेडल जीते। लेकिन साथियों, ये तो शुरुआत है। न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों की तपस्या पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के सपने, संकल्प और समर्पण पर भरोसा है। और इसलिए आज मैं लाखों युवाओं के सामने हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि भारत की युवा शक्ति इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम कई खेलों में कई गोल्ड एक साथ जीतने वाले देशों में हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराता होगा।